वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। प्रधानमंत्री के दौरे से मचेगी सियासी खलबली। एक ही चाल से साधे कई निशाने। योगी मोदी की ताकत करेगी सबको परास्त। एक तीर और दो निशाने तो आपने कई बार सुने होंगे, पर यहाँ मोदी और योगी की जोड़ी ने एक तीर से दो नहीं, तीन से चार निशाने साध दिए हैं। जी हाँ, मोदी अलीगढ़ के दौरे पर गए थे और यह दौरा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। सबसे पहला तो यही कि पीएम मोदी के इस दौरे से बीजेपी ने 100 सीटों पर फोकस किया है। पश्चिमी यूपी के जाट और ओबीसी वोटर्स को भी अपने पाले में करने की कोशिश जरूर की होगी। अब मोदी के इस दौरे को आप तीन आसान पॉइंट्स में समझिए। राजा महेंद्र सिंह के बहाने जाट वोटर्स को साधने की कोशिश। राजा महेंद्र सिंह एक ऐसे जाट नेता जो आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं, पर यह नाम इससे पहले ही आपने सुना होगा क्योंकि इससे पिछली सरकारों ने शायद ही इसको तरजीह दी। ये नाम इस समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुजफ्फरनगर में सरकार के खिलाफ राकेश टिकैत की बड़ी किसान महापंचायत हुई थी। कहा जा रहा था कि जाट समुदाय मोदी से नाराज है। किसान आंदोलन के नाम पर राकेश टिकैत ने अपना पत्ता फेंका और कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के चलते ही बीजेपी काफी कमजोर हो रही है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री का ये दौरा बड़ा ही महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ पहुंचकर राजा महेंद्र सिंह के नाम पर बनने वाली स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। राजा महेंद्र सिंह जाटों के बड़े राजा थे। पश्चिमी यूपी के जाट वोटर्स के बीच राजा महेंद्र का बड़ा सम्मान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजा महेंद्र सिंह ने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जमीन दी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में कहीं भी उनका नाम नहीं था। ऐसे में लंबे समय से जाट वर्ग के लोग एएमयू का नाम राजा महेंद्र सिंह के नाम करने की मांग कर रहे थे और कहीं ना कहीं सियासी फायदे के लिए भी पिछली सरकारों ने इस नाम का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझा था। कहा जाता है कि राजा महेंद्र सिंह के बढ़ते कद के कारण कांग्रेस ने उन्हें दरकिनार कर दिया था और अब पीएम ने जाट स्वाभिमान और जाटों के सरोकार का सम्मान करते हुए ये मैसेज देने की कोशिश की है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही बीजेपी का मोटो है। इसके साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि अलीगढ़ दौरे से पहले ही हिंदुस्तान का बंटवारा करने वाले और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर बवाल हुआ। सियासी जानकारों की माने तो इस विवाद का फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है क्योंकि जिन्ना की तस्वीर आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रखी हुई है, जबकि इस यूनिवर्सिटी के लिए जमीन देने वाले राजा महेंद्र सिंह का कहीं नाम तक नहीं है। पाक परस्त लोगों और वामपंथी गैंग शायद इस बात से चिढ़ जाए, पर अपने आप में ये हास्यास्पद है कि जिसके नाम की जमीन है उसका कहीं जिक्र तक नहीं और जिसने भारत को दर दिया उसकी तस्वीर आज भी टंगी हुई है। इसलिए राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी अपनी झोली में कुछ वोट तो खींच ही सकती है। अब दौरे के दूसरे मायने की तरफ बढ़े तो कल्याण सिंह के बहाने ओबीसी को साधने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जन्म भी अलीगढ़ में हुआ था और वो हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता माने जाते रहे। कल्याण सिंह ओबीसी के बड़े नेता थे। राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई और ये बात जग जाहिर है। मोदी ने उनको याद करते हुए कहा कि मैं आज स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की अनुपस्थिति बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूँ। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते। जाहिर है कि मोदी ने इस दौरे से ओबीसी वोटर्स पर भी अपना दाव खेल दिया है। अलीगढ़ और आसपास के जाटों के साथ ही लोधी वोटर्स का भी बड़ा वर्ग है और कल्याण सिंह लोधी जाति से ही आते थे।
इसके अलावा मोदी योगी की जोड़ी ने वाराणसी से पूर्वांचल और अलीगढ़ से पश्चिमी यूपी पर निशाना साधा। बता दें कि 15 जुलाई को मोदी वाराणसी पहुंचे थे। 2 महीने में प्रधानमंत्री ने 2 बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया और यूपी के लाखों लोगों से संवाद किया। वाराणसी दौरे के समय प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल की 150 सीटों पर निशाना साधा। तभी प्रधानमंत्री ने यूपी के विकास और कोरोना मैनेजमेंट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई थी। और अब अलीगढ़ दौरे से तकरीबन 100 सीटों पर बीजेपी की नजर है। कहा जा रहा है कि पीएम अब हर महीने किसी न किसी विकास की योजना के शिलान्यास और लोकार्पण के बहाने यूपी आएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात यूपी की जनता को देने के लिए भी पीएम को यूपी आना है। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, जेवर एयरपोर्ट, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे योगी सरकार की योजनाओं के शिलान्यास और शुभारंभ के जरिए मोदी यूपी से कनेक्ट रहेंगे। और ये बात विपक्षी दलों के दिल की धड़कन बढ़ा देगी। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल VK News राष्ट्र।